बनाम केके आर मुकाबला खेला जाएगा एट द वीडीसीए स्टेडियम इन विशाखापट्टनम। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला इन दोनों टीम्स के लिए, तो होगा काफी मजेदार ये गेम। वीडियो शुरू करने से पहले इंश्योर आप सब लाइक बटन हिट करिए एंड कमेंट्स में प्रिडिक्ट करिए आपको क्या लगता है कितने रन बनाएंगे यार ऋषभ पंत। जल्दी अभी जाके कॉमेंट करिए, आप सबकी अटेंडेंस और हाजिरी बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में आज होनी चाहिए। विन प्रिडिक्शन की बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा मैं यहाँ पे हिंच कर रहा हूँ, एज काफी बहुत सारे बिग हिटर्स हैं इनके पास इस लाइनअप में जो इस ट्रैक को सूट करने चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके अलावा यही होगी हमारी लीग टाइप जो अब तक हम खेल रहे हैं, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं। चलते हैं सीधा टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ एंड यहाँ पे डीसी बनाम केकेआर। ओपनर्स की बात की जाए तो शॉ एंड वॉर्नर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कॉम्बिनेशन, वेल सॉल्ट एंड नारायण भी स्ट्रॉन्ग है पर नारायण के साथ हमें पता है कि एक्सेप्ट फॉर आरसीबी वो बीस्ट मोड कभी कभार नहीं दिखता हमें, एंड टास्क आसान नहीं होगा क्योंकि खलील वो अनकंफर्टेबल लेन डालेंगे सेम सेम एज ईशांत जो नारायण को कुछ खास पसंद नहीं। मिडल ऑर्डर में मार्श पांच स्टब्स एक तरफ, दूसरी तरफ वेंकी एंड श्रेयस। वेंकी एंड श्रेयस का फॉर्म लास्ट गेम में थोड़ा सा वापस आया बट वो एक अच्छी बैटिंग पिच थी, ये भी एक अच्छी बैटिंग पिच होगी, सो लेट्स सी क्या होता है। मार्श पंत एंड स्टब्स के साथ भी मार्श का फॉर्म अब तक कुछ खास दिखा नहीं है, स्टब्स भी एक आध नौ की खेले हैं वाइल पंत अच्छे लगे हैं, तो दोनों टीम्स का मिडल ऑर्डर ऐसा है येलो जोन में इसलिए क्योंकि कोच चले हैं कब नहीं चले हैं, कंसिस्टेंसी दिखी नहीं है। एंड मजा आएगा कौन से फेज में जो 16 to 20 ओवर आएगा जब केकेआर की बैटिंग आएगी क्योंकि वहां है रिंकू रसेल एंड एक नाम जो यहाँ भी नहीं है एंड आप लोग भी भूल जाओगे रमनदीप सिंह, बहुत अच्छा किया इन्होंने इन द फर्स्ट गेम, तो इन पे भी एक नजर बनाए रखिए। पोरेल एंड अक्षर दूसरी तरफ, पोरेल में ऑफकोर्स पोटेंशियल बहुत ज्यादा, देखते हैं कब डिलीवर एंड कैसे डिलीवर वो करेंगे, पहला गेम बहुत अच्छा गया उनका भी। सो ऑल इन ऑल गुड बैटिंग फेजेस यहाँ पे, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कंसर्न है। बात की जाए बॉलिंग साइड ऑफ थिंग्स की तो डीसी बनाम केकेआर में आप यही देखेंगे कि खलील एंड ईशांत एक तरफ ओपनिंग द बॉलिंग एंड केकेआर के लिए स्टार्क एंड राणा। मिडिल ओवर्स बॉलर्स दोनों टीम्स के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक साइड कुलदीप अक्षर एंड मुकेश, दूसरी तरफ नारायण और चक्रवर्ती। तो मिडल ओवर्स में एक कोलैप्स ट्रिगर हो सकता है, दोनों टीम की जो मिडल ओवर अटैक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मिडल ऑर्डर बैटिंग की बात की जाए तो दोनों टीम्स थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो हो सकता है आप यहाँ देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप एंड फिर थोड़े से विकेट गिर जाए ना मिडल ऑर्डर। डेथ बॉलिंग की बात की जाए तो डीसी की डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ी कंसर्न है, एक ही प्लेयर है नोकिया, उनका भी फॉर्म अब तक यहाँ आया नहीं। वाइल केकेआर की बात की जाए तो ठीक ठाक है विद रसेल एंड स्टार्क बट ऑफ कोर्स ऐसे बॉलर्स हैं दैट कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड ऑन देयर डे, सो आई थिंक वो जो केकेआर वाला फेज होगा विद द बैटिंग वो काफी मजेदार होगा, या तो बहुत सारे विकेट्स गिर जाएंगे बहुत सारे शॉट्स के कारण या तो आपको दिखेंगे भरपूर रन। तो ये हुई टैक्टिकल कॉर्नर की बात, इंश्योर की आप सब हमें ज्वाइन करें एट द रेट फैंटेसी क्रिक ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी एंड लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक से ही जुड़िए ताकि आप फेक चैनल पे ना जुड़े। अब याद रखिए कि सीरीज लीडरबोर्ड भी चल रहा है जो मैंने आपको टैक्टिकल कॉर्नर में डिस्कस किया कि कौन से प्लेयर्स कौन से फेज में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से प्लेयर्स और कौन सी टीम्स किस फेज में वीक है, वो सब आप रोटेशंस कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में बना सकते हो। मल्टीपल टीम्स माई मास्ट 11 के लीडर बोर्ड में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं विद मल्टीपल टीम्स एंड अपनी रैंकिंग्स वहां पे बढ़ा सकते हैं, आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम सो नॉट टू मच कंसर्न दैट, एक फ्लैट बैटिंग ट्रैक हमने पहले गेम में भी देखा, एक अच्छी सी सीन थी, बाउंड्री ज्यादा लंबी नहीं 62 मीटर्स की बाउंड्री एक तरफ तो 56 और 55 मीटर्स ही। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे बैटिंग कंडीशंस थे एंड पहले गेम में भी हमने देखा राइट फ्रॉम जब वॉर्नर एंड शॉ ने स्टार्ट किया राइट टिल दी एंड जब धोनी ने एंड में भी वो हिटिंग करी तो पिच ऐसी कुछ खास डिटोरिएट या ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छी खासी बैटिंग कंडीशंस थी राइट टिल दी एंड, तो वापस हम वही एक्सपेक्ट करेंगे। लाइनअप्स की बात की जाए तो सेम लाइनअप्स खास कुछ चेंज नहीं, कुलदीप मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए इस मुकाबले में एंड ऑफकोर्स वहाँ इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे तो एक नंबर डाउन हो जाएंगे विद द बैट, सो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा कुछ खास चेंज नहीं। एंड फॉर केकेआर सेम फोर अनलेस एंड अंटिल वो स्टार्क को ड्रॉप कर दे क्योंकि बाकी तो ड्रॉप करने का किसी को यहाँ पे स्कोप करेंटली लग नहीं रहा है, एंड ऑफकोर्स स्टार्क को इतने पैसे देने के बाद मैं जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ड्रॉप करेंगे। अब बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, स्टार्टिंग दी अटैक विद डेविड वॉर्नर बहुत अच्छे टच में लगे हैं, अपनी वो पुरानी टच दिख रही है यहाँ पे हमें
एंड 27 मैचेस 1075 रन एंड 45 की एवरेज वर्सेस KKR, ऐसे टाइप के बैटिंग पिच पे आप छोड़ोगे नहीं अभी इनका 50 का एवरेज। पृथ्वी शॉ अगेन गुड नंबर्स। अगर चेतन सकारिया खेलते हैं इस गेम में एक थ्रेट बनेंगे इनके लिए, 2 बार आउट हो चुके हैं उनको पहले एंड मे बी यहाँ पे वापस एक थ्रेट बन सकते हैं उनके लिए। एंड मिचेल स्टार्क के सामने भी ये पहले आउट हुए, मे बी अलग फॉर्मेट में बट आउट हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि लेफ्ट आर्म पेसर्स थोड़ा इन्हें परेशान करते हैं। लेट्स सी कि कैसा दिन जाता है इनका। मिचेल मार्श अब तक फॉर्म लगा नहीं है एंड प्रॉब्लम क्या, अब एक नंबर नीचे आ रहे हैं तो हो सकता है कि स्पिन के सामने इन्हें स्टार्ट करना पड़े एंड टास्क आसान नहीं हुआ विद वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। बट प्रॉब्लम क्या है, अच्छी बैटिंग पिच है तो इन्हें सीधा सीधा तो आप छोड़ नहीं सकते, प्लस अगर कोई दिल्ली बॉलर का दिन खराब गया तो ओवर्स भी यही कवर करेंगे, हेंस इन्हें सीधा सीधा तो आप छोड़ नहीं सकते, बेस टीम में तो आपको इन्हें रखना पड़ेगा। ऋषभ पंत की बात की जाए तो वर्सेस KKR एवरेज कुछ खास नहीं। अब होंगे इनके सामने अच्छे खासे ऑफ स्पिनर, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एंड सूर्यश शर्मा अगर खेलते हैं तो टास्क आसान नहीं होगा एंड मे बी आप इन पे रिस्क ले सको इन दिस गेम। एट वाइजैक भी ठीक ठाक नंबर्स, 5 मैचेस 165 रन, तो अगर आप स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टॉप ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा तो मे बी ऋषभ पंत वहां पे फिर फॉल्टर कर जाए ना मिडल ऑर्डर, तो इस बात का ध्यान रखिए मे बी आप इन पे एक चांस ले सकते हो। ट्रिस्टन स्टब्स ऑफ कोर्स खेले नहीं इनके KKR के सामने पहले एंड एक एक्सीलेंट बॉल पे आउट हुए अगेंस्ट पृथ्वी राणा इन द लास्ट गेम। अब प्रॉब्लम क्या है, ये भी स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द मिस्ट्री स्पिनर्स, सो कुछ खास एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा अनलेस एंड अनटिल ऐसी पिच है जहां पे बिल्कुल भी टर्न नहीं हो एंड बॉल पूरी तरीके से स्किड हो रही है, क्योंकि टैलेंटेड बैटर तो ये है ही। अक्षर पटेल 19 मैचेस 13 विकेट्स 145 रन, सो अगेन नंबर्स कुछ खास नहीं। एंड ये आएंगे अगेंस्ट ऑन्ड्रे रसेल जो इनके सामने स्ट्राइक करते हैं 190+ पे एंड आउट भी उतनी बार हुए नहीं है। एट वाइजैक भी 4 मैच में 2 विकेट्स, तो वापस इन पे भी यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि रिंकू सिंह भी होंगे एक तरफ एंड रिंकू सिंह वो जो 60 मीटर की बाउंड्री वो ऐसे सोते सोते मारेंगे, सो आई थिंक इनके लिए भी मे भी थोड़ा सा मुश्किल गेम हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, विद ऐसे टाइप के प्लेयर्स आपको ऑलराउंड वैल्यू मिल रही है विद बैट एंड बॉल, तो अगर इन्होंने 40-50 रन भी दे दिए बट फिर भी 20 रन मार के 1 विकेट ले लिया तो फैंटेसी के हिसाब से आपका काम हो जाता है। सो बेस टीम से थोड़ा मुश्किल टू लीव, बट देखते हैं जब टीम बनाएंगे ये सब चीजें अब आपके माइंड में, तो जब आप टीम पिक करेंगे तो फिर वही हिसाब से उन प्लेयर्स पे चांस ले पाएंगे। कुलदीप यादव अपना IPL करियर इन्होंने बनाया था एट KKR एंड फिर कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ उनके साथ बाद में वहां पे जब थोड़ा फॉर्म खराब हुआ एंड उसके बाद 3 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं इस टीम के सामने, तो बहुत अच्छे नंबर्स एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा गेम होगा इनके लिए, स्पेशली अगर ये सेकंड बॉलिंग करें एंड एक अच्छा खासा स्कोर दिल्ली वहां पे रखते सामने वाली टीम के लिए। इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड में भी आप पार्ट ले सकते हो माय मास्ट 11, कैसे आप जैसे ज्यादा लीग ज्वाइन करेंगे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी ऑन द इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड, सो गुड चांस, डोंट मिस आउट ऑन पार्टिसिपेटिंग। मुकेश कुमार लास्ट गेम में अच्छे खासे विकेट्स लेके आ रही है एंड थोड़ा सा मुझे लगा क्योंकि अंडर प्रेशर ये बॉलिंग की है तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया उन्हें एंड दूसरे एंड से खास कुछ विकेट गिरे नहीं, बट सीधा सीधा पिक तो नहीं होंगे ये मेरे लिए इस मुकाबले में, क्योंकि सामने जिस फेज में उन्होंने स्टार्ट किया 11-12 ओवर में तब तक आ जाएंगे रिंकू रसेल श्रेयस अगर तब तक रहे मतलब सेट रहे होंगे, तो आसान तो नहीं होगा टू पिक अप विकेट्स इन दैट फेज। ईशांत शर्मा मे बी अगर क्योंकि ये मोस्ट लाइकली प्लेयर टू स्टार्ट दी ओवर्स इज ईशांत एंड नारायण होंगे सामने, तो हो सकता है कि एक आध विकेट इन्हें ऐसे ही मिल जाए क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी वो ऐसे फार वाला शॉट खेलते हैं, बड़ा सा बैट पैड के बीच में गैप छोड़ते हैं, या तो एज करते हैं पीछे या तो स्टंप जाती है बीच में से, तो मे बी शांत यहाँ पे आपके लिए गुड गट फील्ड डार्क हॉर्स पिक हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप मिनी जीएल्स खेल रहे हो रोटेट कर रहे हो वहां पे तो बिल्कुल। एनरिक नोकिया वापस फॉर्म कुछ खास नहीं, बट क्या आप छोड़ोगे डायरेक्टली, मैं तो नहीं छोड़ूंगा डायरेक्टली यार, क्योंकि बहुत ही डेंजरस बॉलर है एंड अपने दिन पे आके विकेट्स निकाल सकते हैं एंड हमें पता है दरअसल वो खास कुछ प्राइस रखते नहीं अपने विकेट पे, रन मारते हैं बट बहुत बार ऐसा हो जाता है जल्दी आउट भी हो जाता है, सो नोके को सीधा सीधा छोड़ना तो आसान नहीं होगा, प्लस जैसे श्रेयस अय्यर आएंगे नेक्स्ट ओवर ही नहीं मिलेगा आके वो बाउंसर डालने के लिए, तो ये वही नोकिया की बात। खलील अहमद अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, 4 मैच में 7 विकेट एंड एट वाइजैक भी 2 मैच में 4 विकेट, डेफिनेटली अ पिक टू कंसिडर क्योंकि अगर ईशांत ने नहीं लिया एक साइड से तो ये तो जरूर आके फायदा उठा ही लेंगे।
तो ये हुई दिल्ली कैपिटल्स की बात। Exchange 22 लीडर बोर्ड भी लाइव है ऑन दी ऐप। इंश्योर आप साइन अप करें, ₹100 रियल कैश आपको मिल रहा है जस्ट अपॉन साइनिंग अप। सो गो डू सो राइट नाउ, एंड जो फायदा है पूरा का पूरा उठा लीजिए वहां पे। अब चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। फिल सॉल्ट टू स्टार्ट द बैटिंग अटैक। ये लास्ट ईयर दिल्ली के लिए खेले थे, अब यहाँ आ गए, एंड एट वेजेट भी ठीक ठाक नंबर्स इनके, तो लेट्स सी इनका गेम यहाँ पे क्या। एंड छोटी सी करेक्शन यहाँ पे, वो एट वाइजैक जो उनके नंबर्स थे वो एक्चुअली एट कोलकाता वाले नंबर्स थे, तो दैट्स द करेक्शन। एट वाइजैक के पहले खेले नहीं है। सुनील नारायण की बात की जाए तो एट वाइजैक एक मैच में कोई भी विकेट नहीं, वर्सेस डीसी 8 मैच में सिर्फ 5 विकेट एंड 96 रन। अब थोड़े से ट्रिकी बन जाते हैं क्योंकि ओपनिंग भी कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम क्या है कि जब ये पहले बॉलिंग करते हैं थोड़ा सा डिफेंसिवली डालते हैं, तो तब इन पर रिस्क बिल्कुल लिया जा सकता है। मेरे लिए अभी भी एक 50-50 पिक इन दिस गेम। वेंकटेश अय्यर 5 मैचेस 93 रन 2 विकेट्स, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं एंड इनफ थ्रेट्स होंगे। आई थिंक कलीर और ईशान जितना डिसिप्लिन से डालते हैं निकाल तो सकते हैं इनको जल्दी, बाकी डिपेंड्स ऑन कैसा है इनका भी दिन रहता है तब। श्रेयस अय्यर ठीक ठाक फॉर्म में लगे इन द लास्ट गेम, 2 मैच में 96 रन वर्सेज डीसी, ये पहले थे डीसी के कैप्टन, एंड 4 मैचेस 89 रन एट दिस वेन्यू, तो ठीक ठाक नंबर्स, एंड बिल्कुल इन्हें बैक करूंगा इस मुकाबले में। रमनदीप सिंह अच्छे लगे जो इन्होंने गेम खेला, पहला गेम वर्सेस SRH वर्सेस DC, 1 मैच में सिर्फ 13 रन पर 2 विकेट लिए पहले, तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे इनकी मीडियम पेस भी काम आ सकती है। रिंकू सिंह 2 मैचेस जस्ट 29 रन, बट उन नंबर्स में मजा आइए, आप जाके इनके 5-6 लास्ट इनिंग देखिए, मजे उठाइए एंड समझिए कि किस क्लास के बैटर हैं। फिर बात करें यहाँ पे एंड्रे रसेल की, एंड यहाँ पे जो क्रॉस था वो मैचअप्स के पास में मुझे फॉर्म के पास में एक बहुत बड़ी टिक, दैट्स अ करेक्शन। वर्सेस DC 7 मैचेस 227 रन 5 विकेट्स, एट वाइजैग 1 मैच में सिर्फ 19 रन और 1 विकेट, बट पहले बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएंगे। मिचेल स्टार्क कुछ खास फॉर्म में लगे नहीं अब तक, एंड क्योंकि इस गेम में शॉ एंड वॉर्नर के सामने आएंगे, तो फिर भी एक और बार बैक करूंगा इस लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने। दोनों को तकलीफें होती है अर्ली, बट उसके अलावा फॉर्म कुछ खास नहीं। हर्षित राणा ठीक ठाक फॉर्म में लगे, 1 मैच में 1 विकेट वर्सेस DC, पहले बॉलिंग करते हुए डेथ में भी कुछ रोल आपको दिख सकता है इनका। सुयश शर्मा में भी कुछ खास ना मिले फ्रॉम द स्टैक, बट अंडर प्रेशर सुयश एंड वरुण चक्रवर्ती दोनों बहुत काम आ सकते हैं, एज इन्हें अटैक करना उतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं वरुण भी 7 मैच में 11 विकेट ले चुके हैं इस टीम के सामने, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स है उस मिडल ऑर्डर में, मिचेल मार्श है उस मिडल ऑर्डर में, स्पिन खेलना तो इन्हें पसंद नहीं बिल्कुल, एंड वरुण चक्रवर्ती वहां पे कुछ काम बना सकते हैं आपके लिए, तो GL में डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखिए। सॉरी, अब बात की जाए यहाँ पे मैचअप्स की, तो श्रेयस अय्यर वर्सेस खलील अहमद 18 और 17 और 1 विकेट, अच्छा खासा यहाँ पे थ्रेड बन सकते हैं खलील ओहली उनके लिए। ऑन्ड्रे रसेल वर्सेस एनरिक नौकी, यहाँ पे आपको एक भी डिसमिसल नहीं दिख रहा, बट आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो समझेंगे कि मैंने ये मैचअप आपको क्यों दिखाया, क्योंकि डेथ ओवर्स में आएंगे ये दोनों एक दूसरे के सामने, तो हो सकता है कि नौकी वहां पे इनको क्वाइट रखें, एंड GL में इस सिनेरियो का आप ध्यान रखिए। डेविड वॉर्नर वर्सेज मिचेल स्टार्क 25 24 एंड 1 डिसमिसल, वापस ये जो है बिल्कुल मैचअप बनेगा एज स्टार्क आएंगे पहले दूसरे ओवर में एंड वॉर्नर वहां पे खड़े होंगे। डेविड वॉर्नर वर्सेस सुनील नारायण, यहाँ पे मैचअप बहुत अच्छा है। सुनील नारायण ने सिर्फ 2 बार आउट किया एंड 152 बॉल्स एंड स्ट्राइक रेट 150 का, तो अगर आप सुनील नारायण को छोड़ने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हो तो ये एक और रीजन है कि मे बी आप एक्चुअली छोड़ पाओ। तो ये हुई आज के मैचअप्स की बात। अब चलते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम की तरफ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं माय मास्ट 11 जो बना रहा हूँ हमारी आज की टीम। 19 में आपको मिल रही है रॉयल एनफील्ड एंड 15 में iPhone 15 Pro Max, तो कुछ बहुत ही अच्छे प्राइजेस एट लो एंट्री फीस, आप अप टू 11 टीम्स लगा सकते हो यहाँ पे, एंड 50,000 का फ्री कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, तो जाइए पार्टिसिपेट करिए, नथिंग फॉर यू टू लूज, आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बनाते हैं हमारी टीम। कीपिंग सेक्शन से फिल सॉल्ट होंगे लॉक पिक, ऋषभ पंत लॉक पिक क्यों नहीं है उसके लिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको पता नहीं चलेगा, स्टैट्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड जस्ट फॉर फन प्रिडिक्ट इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है ऋषभ पंत कितने रन बनाएंगे आज। इन द बैटिंग सेक्शन डेविड वॉर्नर श्रेयस अय्यर ये होंगे मेरे 2 लॉक पिक्स, रिंकू सिंह भी मेरे हिसाब से एक लॉक पिक स्पेशली अगर पहले बैटिंग करें, एंड ये डेटा के हिसाब से नहीं बट जो मेरी गट फीलिंग है इस गेम पर। ऑन्ड्रे रसेल एंड मिचेल मार्श ये दोनों होंगे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से स्पेशली व्हेन बैटिंग फर्स्ट, एंड इन द बॉलिंग सेक्शन मिचेल स्टार्क कुलदीप यादव ऑब्वियसली अगर खेलते हैं,
एंड एक नौके खलील अहमद स्पेशली व्हेन दे आर बोलिंग फर्स्ट। तो ये होंगे मेरे हिसाब से लॉक पिक्स इस मुकाबले में, सम बेस्ड ऑन फॉर्म, सम बेस्ड ऑन मैचअप, सम बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कितना पोटेंशियल है उनमें। तो ये है वो 10 प्लेयर्स। अब आप 11वां प्लेयर किसे ले सकते हैं? थोड़ा सा सेफ जाना है तो बैटिंग पिच है, तो यहाँ पे आप ऋषभ पंत के साथ आसानी से जा सकते हो। थोड़ा आपको रिस्क लेने का मन कर रहा है तो सुनील नारायण या अक्षर पटेल, दोनों में से जो भी सेकंड बॉलिंग करता है उनकी फैंटेसी वैल्यू वहां बढ़ जाएगी, क्योंकि देन विद द बैट फर्स्ट बैटिंग में अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, प्लस सेकंड बॉलिंग में अंडर प्रेशर विकेट्स भी स्पिनर्स मिडल ओवर्स में निकाल सकते हैं। हमने टैक्टिकल डेटा में ये बात देखी थी। तो अभी के लिए स्लॉट में अक्षर, बट ये ऑफकोर्स मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द टॉस। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो ऑन्ड्रे रसेल आंखें बंद करके मैं कैप्टन बना रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा सोच नहीं रहा। एज अच्छे फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या ही टेंशन है, वो होंगे मेरे लिए कैप्टन। वाइस कैप्टन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप जा सकते हो विद द बोलर्स, बट सेफ चॉइस यहाँ पे बनेंगे डेविड वॉर्नर, क्योंकि अच्छे खासे फॉर्म में लगे हैं। श्रेयस अय्यर भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक पिक बन सकते हैं अगर पेस को अच्छे से निकाल लिया। और अगर आपको थोड़ी और सेफ्टी चाहिए तो फिल सॉल्ट जैसा प्लेयर आपको कीपिंग पॉइंट्स भी देगा प्लस बैटिंग पॉइंट्स भी देगा। तो वाइस कैप्टन हम डिस्कस करेंगे पोस्ट द टॉस ऑन टेलीग्राम @FantasyCricPro, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड रिमेंबर टू ज्वाइन अस देयर एंड रिमेंबर टू प्रिडिक्ट ऋषभ पंत कितना रहेंगे आज के मुकाबले में इन द कॉमेंट्स। अब चलते हैं आज के जीएल ऑप्शन की तरफ। तो जीएल ऑप्शन इस गेम में लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक रिंकू सिंह एंड हाई सिलेक्ट ड्रॉप इज बॉम ऋषभ पंत, जो डेटा बेस्ड है। बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड जीएल सीवीसी चॉइसेस अक्षर एंड नारायण, एंड यहाँ पे वॉर्नर भी होने चाहिए। बैटिंग सेकेंड बॉलिंग फर्स्ट नॉकी एंड मार्श, एंड दोनों सिचुएशन में ऑन्ड्रे रसेल। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू, आई होप आप सभी को मजा आया हो। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच आप सभी के कॉन्स्टेंट सपोर्ट के लिए।